क्वेश्चन नंबर 16, इफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिड नॉट अकर, हाउ वुड द एपरेंट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट बी चेंज। ओके, तो अगर ये अर्थ हम अज्यूम कर लें, यहाँ पे सन है, तो सनसेट के टाइम पर रिफ्रैक्शन की वजह से सन के होराइजन से नीचे होने पर भी जो रेज है वो बेंड होके पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से जो सन है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो इसका इसकी वजह से क्या होता है, हमें सनराइज जल्दी दिखाई देने लगता है, सनराइज एक्चुअली होने से पहले थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, और इसमें करीब 2 मिनट का लगभग डिफरेंस होता है। तो ये किस वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर फिर हम हटा दें तो सनराइज हमें एक्चुअल जब होगा तभी दिखाई देगा, तो इसका मतलब सनराइज हमें थोड़ा लेट दिखाई देगा जितना अभी दिखाई दे रहा है उससे, क्योंकि अभी हमें जल्दी दिखाई दे जाता है एक्चुअल से, तो सनराइज हमें लेट दिखाई देगा। और सनसेट के साथ इसका उल्टा है, सनसेट यहां पर होगा तो सन के एक्चुअली होराइजन से नीचे चले जाने के बाद भी सन हमें ऊपर दिखाई देता रहता है सेम रीजन की वजह से, तो सनसेट हमें एक्चुअल सनसेट के बाद भी दिखाई देता रहता है। तो अगर एटमॉस्फेयर हट जाएगा तो सनसेट हमें सिर्फ यहां तक ही दिखाई देगा, यानी जल्दी हो जाएगा सनसेट। ठीक है, तो सनराइज देर से होगा, सनसेट जल्दी होगा, तो सनराइज वुड बी लेटर, सनसेट वुड बी अर्लियर। ये ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है।